तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको हेल्थ आईडी के ऑफिशियल ऐप से हेल्थ आईडी बनाने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं, क्योंकि हेल्थ आईडी का जो ऑफिशियल वेबसाइट था वो कई दिनों से डाउन चल रही है, जिसकी वजह से लोगों को अपना हेल्थ आईडी बनाने में दिक्कत आ रही है। हेल्थ आईडी के ऐप से हेल्थ आईडी बनाने के साथ साथ आप अपनी हेल्थ रिकॉर्ड को भी आसानी से मैनेज कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसलिए आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है, सर्च बार में आपको यहाँ पर टाइप करना है NDHM, फिर सर्च करेंगे, जो सबसे पहला रिजल्ट आएगा NDHM हेल्थ रिकॉर्ड का, इसे आपको इंस्टॉल अपने फोन में कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद इसे आप ओपन करेंगे, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको रजिस्टर का एक बटन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर देकर सेंड OTP पर क्लिक करना है। आपके इस नंबर पर एक OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पर देकर वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर देना है। ध्यान रहे कि आपके इस आधार कार्ड नंबर से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, क्योंकि आपके उस नंबर पर एक OTP जाएगा। अगर आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो यहाँ पर आपको प्रोसीड विदाउट आधार पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम एंटर करना है। फिर यहाँ पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ देंगे, यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करेंगे, फिर नीचे जाएंगे, यहाँ पर आप अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करके आई एग्री पर क्लिक करेंगे, फिर आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। अगर आपके आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक है तो यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर देना है, फिर आप सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। आपके सामने डिक्लेरेशन का पेज आएगा, नीचे स्क्रॉल करके आई एग्री पर क्लिक करेंगे। अब आपके इस आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पर देकर वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके आधार कार्ड से आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर निकाल लिया जाएगा। नीचे जाएंगे, यहाँ पर आपको स्टेट पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपने स्टेट के नेम को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करके अपने डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करना है। फिर आप यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपना एक यूनिक हेल्थ आईडी क्रिएट करके पासवर्ड सेट करना है। यूनिक हेल्थ आईडी क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आपको अपना पूरा नाम स्मॉल लेटर में लिखना है और यहाँ पर आपको ये चेक करना है कि आपके नाम का हेल्थ आईडी अवेलेबल है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे साफ लिखा हुआ आ गया है, हेल्थ आईडी इज नॉट अवेलेबल। अगर आपके सामने भी इस तरह का मैसेज आता है तो आपको अपने नाम के आगे कोई भी नंबर टाइप कर देना है, फिर आपको यहाँ पर चेक करना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हेल्थ आईडी इज अवेलेबल का मैसेज आ गया है, यानी कि ये हेल्थ आईडी मैं सेट कर सकता हूँ। उसके बाद नीचे आपको कोई भी 8 कैरेक्टर का अपना पासवर्ड सेट कर लेना है, उसी पासवर्ड को नीचे कंफर्म करेंगे, फिर आप यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाएगा, यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड इनटू द एप्लीकेशन। यहाँ पर आपका हेल्थ आईडी और PHR एड्रेस आ जाएगा, बस आपको अपना ये PHR एड्रेस याद रखना है। अब यहाँ पर आपको गो टू माई अकाउंट पर क्लिक करना है। अब आपके सामने कंसेंट का पेज आएगा, नीचे स्क्रॉल करके एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने एक बहुत ही सिंपल सा इंटरफेस आ जाएगा। इस ऐप की मदद से आप अपने हेल्थ रिकॉर्ड को बड़े ही आसानी से मैनेज कर सकते हैं। जितना भी आपका हेल्थ रिकॉर्ड होगा वो आपके रिकॉर्ड्स में यहाँ पर आ जाया करेगा। यहाँ पर प्रोवाइडर पर क्लिक करके आप चाहें तो मैन्युअली अपने हेल्थ रिकॉर्ड को हॉस्पिटल, क्लिनिक और लैब से ऐड कर सकते हैं। अपने हेल्थ रिकॉर्ड को ऐड करने के लिए यहाँ पर आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, फिर यहाँ से आप अपने स्टेट के नेम को सिलेक्ट करेंगे, फिर आप यहाँ से अपने डिस्ट्रिक्ट के नेम को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आप अपने हॉस्पिटल, क्लिनिक या लैब के नाम को सर्च करेंगे, फिर आप यहाँ पर फेच डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आपके हेल्थ रिकॉर्ड पर यहाँ पर आपकी सारी हेल्थ रिकॉर्ड आ जाएगी, जैसे कि आपकी कौन सी दवाइयाँ चल रही थी, आपका क्या रिपोर्ट था, आपका क्या लैब टेस्ट था, वो सारा कुछ यहाँ पर आ जाया करेगा। यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट का भी एक टैब मिलता है, यहाँ से आप हॉस्पिटल, क्लिनिक और लैब के रिक्वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं, उसे आप अप्रूव या डिसअप्रूव कर सकते हैं। यानी कि आप जहाँ आप ट्रीटमेंट करवा रहे थे वो क्लिनिक, वो हॉस्पिटल से आपके इस हेल्थ आईडी पर एक रिक्वेस्ट आएगा, उसे अप्रूव करने के बाद ही आपका हेल्थ रिकॉर्ड आपके इस हेल्थ आईडी में ऐड हो पाएगा। यहाँ पर आपको एक अकाउंट का ऑप्शन दिखता है, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ से आप चाहें तो अपना QR कोड देख सकते हैं, यहाँ से आप अपना हेल्थ आईडी और PHR एड्रेस को देख सकते हैं। यहाँ पर आपको हेल्थ लॉकर की भी सुविधा मिलती है, यानी कि आप अपने हेल्थ रिकॉर्ड को परमानेंटली अपने हेल्थ लॉकर में सेव करके रख सकते हैं। यहाँ पर आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, यहाँ से आप चाहें तो अपने पासवर्ड और कंसेंट पिन को अपडेट या चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लॉगआउट का भी ऑप्शन मिल जाता है।
आप चाहें तो अपने अकाउंट से लॉग आउट भी कर सकते हैं। अगर आप अपने हेल्थ आईडी कार्ड को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हेल्थ आईडी कार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक मिलेगा, उसे आपको ओपन करना है। इस तरह का पेज आएगा, यहाँ पर आपको 3 लाइन पर क्लिक करना है, फिर आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। इस तरह का पेज आएगा, यहाँ पर आपको अपने उसी हेल्थ आईडी यानी कि उसी पीएचआर एड्रेस को एंटर करना है जो अभी आपने यहाँ पर बनाया था। फिर आप यहाँ पर अपने डेट ऑफ बर्थ के ईयर को सेलेक्ट करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको अपने डेट ऑफ बर्थ के ईयर को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आई एम नॉट अ रोबोट को सेलेक्ट करेंगे, फिर आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। चाहे तो आधार ओटीपी या पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर पासवर्ड से लॉगिन करूँगा। तो आई एम नॉट अ रोबोट को सेलेक्ट करके लॉगिन वाया पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप उसी पासवर्ड को एंटर करेंगे जो आपने हेल्थ आईडी बनाते समय क्रिएट किया था, फिर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपने हेल्थ आईडी के अकाउंट में लॉगिन कर जाएंगे। नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपका वर्चुअल हेल्थ आईडी भी दिख जाएगा। अगर आपके इस हेल्थ आईडी पर आपका फोटो नहीं दिखता है तो आप चाहें तो यहाँ पर अपना मन चाहा फोटो लगा सकते हैं, या आप चाहें तो अपने आधार कार्ड वाला फोटो भी अपने इस हेल्थ आईडी पर लगा सकते हैं। अगर आपके इस हेल्थ आईडी पर आपका फोटो आया हुआ है तो यहाँ पर डाउनलोड हेल्थ आईडी पर क्लिक करके अपने इस हेल्थ आईडी को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके इस हेल्थ आईडी पर फोटो नहीं आया है तो इस पर फोटो लाने के लिए आपको ऊपर आना है। यहाँ पर आपको माय अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। फिर आपको यहाँ पर एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करना है। अपना मन चाहा फोटो हेल्थ आईडी पर लाने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक टू अपलोड पर क्लिक करना है, और जो फोटो आप अपने हेल्थ आईडी पर रखना चाहते हैं उसे आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये फोटो अपने हेल्थ आईडी पर लाना है, तो उसे हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करते ही आपका वो फोटो आपके प्रोफाइल में सेट हो जाएगा। नीचे जाएंगे, नीचे यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके हेल्थ आईडी पर आपका ये फोटो आ जाएगा। अगर आप अपने हेल्थ आईडी पर अपने आधार कार्ड वाला फोटो को रखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ऊपर आना है, यहाँ पर आपको माई अकाउंट पर क्लिक करना है। फिर नीचे आपको यहाँ पर री के वाई सी वेरीफिकेशन का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर देंगे, आपका आधार कार्ड वाला फोटो आपके हेल्थ आईडी पर आ जाएगा। फोटो अपडेट या चेंज करने के बाद यहाँ पर आपको डाउनलोड हेल्थ आईडी कार्ड पर क्लिक करना है। आपका ये हेल्थ आईडी कार्ड आपके फ़ोन में डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा।